आप सभी का हमारे केमिस्ट्री चैनल के अंदर स्वागत है। हम अपने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए 18 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम फिर से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट ऑबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। आपके पास कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं 4, तो जब भी आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल की बात आती है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पे करना है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, या आप इसे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट भी कह सकते हैं। इसमें मेटल कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, यही कंसेप्ट मेन होता है। तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हम लेते हैं, MnCO/6 और इसके ऊपर +1 चार्ज। जब भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 चार्ज होता है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए हमें -1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो Mn मैग्नीज D6 इलेक्ट्रॉनिक D7 फैमिली के अंदर आता है। इट मीन्स इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए आपको सबसे पहले 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। 7, 6 कार्बोनिल, 6 मल्टीप्लाई 2 एंड +1 चार्ज, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो 7 +12 -1, 12 एंड 7 19 -1 18। इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स आपका 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन बी देख लेते जल्दी से, FeCO/5। Fe D8 फैमिली का मेम्बर है, 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। CO5 1 कार्बोनिल 2 मॉलिक्यूल, तो 5 कार्बोनिल 10 मॉलिक्यूल, 8 +10 18, तो ये भी फॉलो कर रहा है। क्रोमियम CO/5 कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 चार्ज है। जब भी कॉम्प्लेक्स पे -2 चार्ज होता है तो या माइनस चार्ज होता है तो आपको +2 ऐड करना पड़ता है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करेंगे। टोटल काउंट करके देखते हैं, 6 +10 +2 18, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपका फॉलो कर रहा है। कॉम्प्लेक्स डी MnCO/4 Cl2 कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 चार्ज, मैग्नेट D7 फैमिली का मेंबर, 4 कार्बोनिल 4 2 जा 8, 2 क्लोरीन 2 1 जा 2 एंड 2 चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इसलिए 2 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। 7 +8 15 +2 17 +2 19, ये आपका नॉट इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन, इसलिए आपका जो आंसर नंबर है वो आपका है डी। क्वेश्चन में फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट ऑबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द हेप्टासिटी ऑफ साइक्लोहेप्टा 1,3,5 ट्राई इन। इट मीन्स जो साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लोहेप्टा हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। दिस इज ए साइक्लोहेप्टा, ट्राई इन है, तो 1, 2 एंड 3 कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स में इसकी हेप्टासिटी वेरियाई कर सकती है, या तो इसकी हेप्टासिटी 6, मैक्सिमम हेप्टासिटी इसके 6 हो सकती है, 6 से लेके हेप्टासिटी 1 तक इसकी हो सकती है, हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 18 इलेक्ट्रॉन अप्लाई करके हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 राइट साइड में रख लेना है, और इस सिस्टम के लिए या इस पर्टिकुलर लिगेंड के लिए जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है उसे आप एज्यूम कर लीजिए एक्स। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, यहाँ पे एक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्स इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट में ये कंट्रीब्यूट कर रहा था। साइक्लोहेप्टा ट्राई इन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्स। आयरन कौन से फैमिली का मेंबर है, D8 एंड 3 कार्बोनिल 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 18, देन एक्स +8 +6 इक्वल्स टू 18। इन दोनों को ऐड करके राइट साइड में ले जाना, तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। साइन चेंज कर लीजिए, एक्स इक्वल्स टू 18 -14, एक्स इक्वल टू 4,
तो साइक्लोहेप्टा टेट्राइन सॉरी ट्राइन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पे आपका हेप्टासिटी 4 आ गई, तो आंसर है 4, ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स विच ऑबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। सिंपल सा कंसेप्ट, इसके अंदर आपको अप्लाई करना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन या टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपके पास 18 आना चाहिए। मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे देखना है। फर्स्ट ऑप्शन Fe(CO)4, आयरन D8 फैमिली का मेंबर है, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 कार्बोनिल, 4 2 जा 8, 8 + 8 16, इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 18। आपको क्या पूछा है, द कॉम्प्लेक्स विच ऑबे, तो ये तो डज नॉट ऑबे आ गया। बी देख लेते, Ni निकल, D10 फैमिली का मेंबर है ये, D10, CO(3), 3 कार्बोनिल, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, एंड फॉस्फाइन टाइप फाइनल फॉस्फाइन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 + 6 16 + 2 18, ये ऑबे कर रहा है, अपने को यही पूछा है द कॉम्प्लेक्स विच ऑबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो आंसर बी आपका आंसर है। लास्ट के दो ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, Si(CO)6 क्रोमियम, D6 फैमिली का मेंबर है आपका, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 5 कार्बोनिल, 5 2 जा 10, 16 इलेक्ट्रॉन, डज नॉट ऑबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। एंड डी ऑप्शन Si(C5H5), ये CP साइक्लोपेंटाडाईनाइल हेप्टासिटी नहीं दे रखी, आपको कंसिडर करना 5, तो 6 इलेक्ट्रॉन, D6 फैमिली एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ CP, इट मीन्स 6 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 + 6 16, ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं है, तो आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। तो ये आपका बी आंसर, काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, टू सेटिस्फाई द 18 इलेक्ट्रॉन रूल इन द कॉम्प्लेक्स साइक्लोहेप्टाट्राइन, यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया साइक्लोहेप्टाट्राइन, 7 मेंबर रिंग, साइक्लिक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड है, MO मॉलिब्डेनम CO3, द हेप्टासिटी ऑफ कोऑर्डिनेटेड साइक्लोहेप्टाट्राइन। आपको यहाँ पे वही शायद क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसे भी सॉल्व करना है। इस पूरे सिस्टम की हेप्टासिटी है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन आप एज्यूम कर लीजिए एक्स है, और फिर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट एक्स मान करके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 के बराबर रख दीजिए। ओके, द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18, एज्यूम कीजिए कि ये जो सिस्टम आपको दे रखा है ये स्टेबल है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, देन इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन एक्स प्लस मॉलिब्डेनम D6 फैमिली में आता है, तो 6 + 3 कार्बोनिल, 3 2 जा 6, तो एक्स प्लस 6 + 6 = 18, इन दोनों को ऐड करके राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 18 - 12, तो एक्स इक्वल टू 6, अगर 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हेप्टासिटी कितनी आएगी, 6, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेप्टासिटी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन कॉम्प्लेक्स CP, इट मीन साइक्लोपेंटाडाईनाइल Fe(CO)2, और ये ट्वाइस है, इट मीन्स इसके अंदर Fe मेटल मेटल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये पॉली न्यूक्लियर या बोल सकते हो डाई न्यूक्लियर है, बाई न्यूक्लियर आपका कॉम्प्लेक्स है, बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। अपने को पता है CP, हमें पता है कि CP साइक्लोपेंटाडाईनाइल के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 जनरली होता है, क्या चार्ज करता है, -1। यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अलावा आपको क्या देखना है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट या फ्रैगमेंट या मेटल्स है उनके ऊपर कितना चार्ज है और पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, इन दोनों को बैलेंस करना है। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, चार्ज बैलेंस करना है, आपको क्या करना है, चार्ज बैलेंस करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा, चार्ज को बैलेंस करना है। देख लीजिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिगेंड और चार्ज ऑन द लिगेंड, तो CP साइक्लोपेंटाडाईनाइल कंटेन -1 चार्ज एंड कार्बोनिल इज द न्यूट्रल लिगेंड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, CP Fe(CO)2 और पूरा कितने मॉलिक्यूल है, 2 बाई न्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, इस पूरे के ऊपर 0 चार्ज है। हम अब चार्ज बैलेंस करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसके ऊपर चार्ज का ऐड कर लेते हैं, CP के लिए -1, Fe के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि इसके ऊपर एक्स चार्ज है, CO2 2
2 इंटू जीरो, कार्बोनिल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इस पूरे ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बायोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है और ये पूरा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, जीरो, तो आपको इसको जीरो के इक्वल कर दिया। देन माइनस वन, इस टू को राइट साइड में भी भेजेंगे तो पूरा का पूरा जीरो ही हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस वन, इट मीन्स आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, प्लस वन। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो के अंदर हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मेल के द्वारा आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।